ओ भाई क्रेजी कॉल्स। भाई शिट 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 भाई, सबका थैंक यू जिसने कंग्रेचुलेशंस बोला है भाई मेरे को। मैं को थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत है तो समझ लो ना। तो भाई क्या सुपर लग रही है अपनी बाइक, क्या खींच के आई है। बर सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई देख लो, हम भी छोटे थे ऐसे बाइक देखते थे। तो भाई आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी अब निकलने लगे हैं लाइक। हां जी भाई, कौन है? हेलमेट दे दो भैया। क्यों यार? मैं जाना जिससे यार, मैं खन्ने जा रहे हैं यार, खन्ने चल रहा है। ओके ओके भाई, हेलमेट मांग रहा था यार बंदा। फ्रेंड था भाई, क्लासमेट था वो, काफी टाइम के बाद मिला। बाइक देखे मैं चाहने के ना हेलमेट दे दिया, थोड़ा जाना के पुलिस खड़ी है। भाई देख लो ऐसे ऐसे यार दोस्त होते हैं। तो अभी भाई हम फ्यूल, पहले सबसे पहले हमारा काम है घर से निकलते पहले फ्यूल डलवाना है, उसके बाद आगे जाना है। यू नो भाई, डेली व्लॉग्स के साथ डेली फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा पावर फ्यूल डलवाता हूँ, नॉर्मल नहीं है ना अपनी बाइक में। भाई पावर पेट्रोल नहीं है तो डलवाना तो पावर ही था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई, आगे देखते हैं आगे पेट्रोल पंप में। भाई आगे पेट्रोल पंप में डलवाएंगे पेट्रोल, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। बंद होगी तो धक्का नहीं मारूंगा भाई, बहुत हो गया मेरे साथ। एक तो इसकी एवरेज इतनी है बाइक का, पता नहीं लगता कब पेट्रोल खत्म हो जाता। तो भाई साउंड चेक करो यार, क्या मस्त साउंड आ रहा है। साउंड सुन के ना वाइब ही लगाते हैं भाई बाइक भगाने की। हाँ डिस्क ब्रेक का, हाँ आ रही है पीछे वाली है, पीछे है। यार भाई कह रहे कि मैं फोटो खींच लूं भाई, यूट्यूब में आपका चैनल क्या है, खींच लो भाई। ओके भाई भाई क्या साउंड आ रही है बाइक दी। हाले तो बैनली है यार, अभी तो भाई बैनली है मेरे पास, जब ZX टेनर आएगी तो क्या साउंड होने वाली है बाइक की। अभी हाईवे आ गया भाई, अभी साउंड चेक करना हाईवे में क्या साउंड गूंजती है ना भाई। अभी सुबह का टाइम है, रात के टाइम भी भाई आपका साउंड चेक कराऊंगा। साउंड सुनो, साउंड ओ भाई क्रेजी कॉल्स। तो भाई बाइक कम से कम ना 150-200 की स्पीड के बीच में है यार। बाइक का ना थोड़ा मीटर इशू है, वो भी सबसे बाइक जाएगी हमारी सर्विस के लिए अगेन, उन्होंने बोला कि नया मीटर आ चुका है। तो भाई टाइम निकाल के भेजूंगा भाई, बाइक की क्या स्पीड चल रही है ना भाई, मेरे को पता मैं कितनी मुश्किल से बाइक को संभाल रहा हूँ अपनी। और अभी हम ना नेशनल हाईवे में है, वहां पर चेक करो भाई क्या भीड़ चल रही है गाड़ियों की भाई, कितने मतलब एक गाड़ी आगे छोटी गाड़ी होगी उसकी वजह सारी गाड़ी स्लो हो जाती है, मतलब ट्रक ट्रक चल रहा है देखो चेक। अरे भाई कैदियों की गाड़ी जा रही थी। तो भाई मतलब ऐसी है, बड़ी गाड़ी चलती है तो उसके पीछे सारी गाड़ी स्लो हो जाती है। तो अभी भाई हम लोग हैंडल पर ही शो वो करें, फोकस करें, हैंडल छूटा तो भाई दुनिया से सामने छूट जाएगी। वो चेक करो यार, बिना इंडिकेटर को साइड में लेके आ रहा है यार बंदा, क्या कर रहा था।
वो भी डर गया होगा भाई एकदम से ही। देखो भाई बड़ी बड़ी गाड़ी एकदम से आगे आ जाती है, मतलब इसकी ब्रेक में बहुत ज्यादा पावर है तो थोड़ा कंफर्ट लगता है, नॉर्मल बाइक में नहीं इतना वो। चेक करो भाई क्या कितनी क्लोज से निकली भाई गाड़ी अभी। तभी बोलते हैं भाई नजर हटी दुर्घटना घटी, जैसी आंखें बंद होगी सीधा गाड़ी में तो थोड़ा मतलब थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए भाई हाईवे में। तो सुपर बाइक हो अगर आपके पास, अगर नॉर्मल बाइक भी है तब भी ये चेक करो भाई। एक तो बाइक इतनी स्पीड पे ऊपर से ट्रक भाई ओवरटेक करने में भाई बड़ी डर लग रहा है मेरे को काफ़ी। बस जल्दी से इसका मीटर ठीक करवाना ना, इसकी इसके गियर का और स्पीड का प्रॉपर से पता चल जाए भाई। कम से कम भाई इस समय गाड़ी 170-180 में चल रही होगी भाई, नहीं पता चल रहा अभी, चेक करो। हाथ भी कांप रहे हैं भाई, एक समय में मेरे खुद के हाथ कांप रहे थे भाई, गाड़ी वाला कैसे बीच में आ गया। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में। आप लोग भाई मेरे से पूछ रहे थे ना कि अपनी बाइक के बारे में बताओ थोड़ा सा ना, कि बाइक कितने की है, कितने की बड़ी, क्या कॉस्ट थी सर्विस की, काफी जने कमेंट कर रहे थे। तो भाई अभी मैं आपको वही मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई इधर देखो क्या मतलब शांति शांति हो, यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, बाइक को भी यहाँ पर थोड़ा आराम देंगे। तो भाई आज मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी सेकंड हैंड बाइक में क्या क्या वर्क करवाया और मेरे को बाइक कितने की पड़ी और अभी सर्विस करवाने के बाद मेरे को बाइक कितने की पड़ी है ना। सबसे पहले तो भाई आप सबका थैंक यू जिसने कंग्रेचुलेशंस बोला है भाई मेरे को, मेरे को थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत है तो समझ लो ना। तो भाई क्या सुपर लग रही है अपनी बाइक, क्या खींच के आई है। पर बाइक में भाई सेकंड हैंड बाइक थी, प्रॉब्लम्स काफ़ी थी, बट कोई बात नहीं धीरे धीरे ठीक करवा लेंगे भाई। सुपर बाइक रखनी है तो इतना चलना है, चलता है भाई इतना भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई इसका इसका मीटर भाई, मीटर नहीं चल रहा सर्विस करवाने के बाद, नहीं चल रहा, पहले चल रहा था क्योंकि भाई इसका जो पहले वो लगी थी ना, क्या कहते हैं उसको, बैटरी लगी थी, वो बुलेट की बैटरी लगी थी, तो हमने चेंज की तो वो 11 वोल्ट की बैटरी थी, तो जिसके कारण ये फ्यूज़ हो गया, इसको हम चेंज करवाएंगे जल्दी ही। तो उसके बाद इसका भाई यहाँ से एक्सीडेंटल था बाइक, हमें नहीं पता था, तो ये सारा टेढ़ा हुआ पड़ा था, वहाँ पर टच हुआ पड़ा था, तो ये सारा हमने ठीक करवाया, वेल्डिंग करवा के चैन सेट नया डलवाया है भाई। खर्चा तो काफ़ी आया मेरे, 20,000 की सर्विस हुई है इंक्लूडिंग सभी चीज़ है ना, चैन वगैरह चेंज करवा के, ऑयल वगैरह है ना, क्योंकि 8,000 का तो सिर्फ ऑयल ही डला है इसमें इसका, क्योंकि भाई 4 लीटर ऑयल डलना था तो 4 लीटर डला है भाई, तो 8,000 का तो सिर्फ वही हो गया, और 2,000 की लेबर भाई, सर्विस लेबर। और भाई यार जिस बंदे ने मेरे को ये बाइक दी ना, चेक करो भाई KTM के वो लगे हुए हैं इसमें, KTM के इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये भी हम चेंज करवाएंगे यार। इसके ओरिजिनल इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखते हैं ये बड़े, वो पीछे वाले कितने छोटे, वो KTM के हैं। और भाई इधर फुटरेस्ट चेक करो, ये है बैनली का, ये है बुलेट का भाई, बुलेट का लगा के दे दिया मेरे को यार, बताओ इतना चिपकाते हैं भाई। सेकंड हैंड बाइक लेनी है तो अच्छे ढंग से चेक जरूर करो भाई, बहुत लगाते हैं भाई मस्के लोग, मेरे को बहुत मस्का लगाया। और यहाँ पर ये सारा जला हुआ है, देखो ऊपर ऊपर हुआ पड़ा ना, ये सारा मैंने टेपिंग करवाया है, हाँ ये सारा मैंने टेपिंग करवाया, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था इसके कारण, एग्जॉस्ट के कारण, गर्म होने के कारण ये सारा जल गया था। और ये सारा हमने टाइट करवाया, ये काफ़ी हिल रहा था पहले भाई, ये सारी बॉडी सर्विस में टाइट हुई है। और इसके भाई अभी सिर्फ 5-6 काम बाकी हैं, एक तो दोनों वो चेंज होने हैं, क्या कहते हैं इसको, दोनों के शॉकर्स, आगे वाला शॉकर रिफिल हो जाएगा बट ये चेंज होएगा, पीछे वाला चेंज होना है, जिसको हम रिफिल नहीं करवा पाएंगे भाई। ये सारा शॉकर चेक करो क्या सिस्टम है इसका, तो ये शॉकर चेंज होना है और मीटर चेंज होना है ना, थोड़ा वर्क और है वो भी हम करवा लेंगे धीरे धीरे। सो भाई मेरे को टोटल अमाउंट भाई मेरे को 410,000 की बाइक पड़ी सेकंड हैंड बाइक, 410 की मेरे को पड़ी है, और ऊपर मेरे को अभी मेरा 40,000 खर्चा आ जाएगा शोकर शुकर का, और ऊपर भी मतलब 4.5 के मेरे को ये बाइक पड़ेगी है ना। और भाई इसका भी लोन चल रहा है, चलो वो चलता रहेगा 1-2 साल। तो भाई अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं ना भाई, नेक्स्ट टाइम न्यू बाइक लेके आऊँगा 4 सिलेंडर, बट बैनली नहीं, निंजा कावासाकी की या तो CBR की, देखते हैं भाई कौन सी लेके आए, BMW भी है भाई, तीन ऑप्शन है, तीन में से कोई भी नेक्स्ट बाइक आएगी, जल्दी नहीं बोल सकता, अभी जल्दी ही नहीं आएगी, कम से कम साल या 6 महीने तक 4 सिलेंडर बाइक, तब तो भाई धमाल बचा देनी है।
और भाई जल्दी से वीडियो को वायरल करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए। सो अभी थोड़ा मैं यहाँ पर बैठूँगा थोड़ी देर, वो पत्थर में बैठूँगा सामने, फिर यहाँ से हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो भाई आपको अभी रिएक्शन दिखाता हूँ, पुलिस वालों के रिएक्शन देखोगे, पुलिस वाले का। शिट भाई, नंबर प्लेट नहीं है भाई, आज ही लगवाऊंगा। वो देख तो रहा था पर ये नहीं बताओ भाई को देख रहा है मेरे, आज जाके नंबर प्लेट लगवाऊंगा भाई, बच गया, बार बार नहीं बच पाऊंगा। सो भी थोड़ा आराम से चलेंगे यार। सो भाई यहाँ पे मैं ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ अभी, और आई होप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो। जिसको नहीं अच्छा लगा कमेंट करना भाई, उस चीज़ को मैं ज़रूर सुधारूंगा। और प्लीज़ जिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।